नयागढ़ नाबालिका दुष्कर्म हत्या मामलार आज शुणी कर हाइकोर्ट यह शुणी बेले मामलार स्टाटस रिपोर्ट दाखल कलानी एसआईटी तेज गत 16 तारीख में एसआईटी मुदा लफापारे देखा रिपोर्ट आज कोर्टे खोल जा मामलार पूर्णांग तदंत रिपोर्ट दाखल हाइकोर्ट निर्देश देते मार्च 25 तारीख में मामलार परवर्ती शुणी हो सीबीआई तदंत निर्देश प्रार्थना करी कोर्टे दायर होई मामला नाबालिका दुष्कर्म हत्या मामला को नहीं राज्य में हईचई पर यार तदंत एसआईटी आरंभ कर अरुण बोथ्रा नेतृत्व में मामलार तदंत कर जन अभियुक्त को गिरफ्त कर तदंत प्रक्रिया को नहीं बीजेपी और कांग्रेस समेत विभिन्न अनुष्ठान पक्ष आंदोलन होता अन्य रिपोर्ट पढ़ले पढ़ी सारे हृदय करके जेहतु इन्वेस्टिगेशन चली तेणु सरकार को डायरेक्शन दे पुनः रिपोर्ट दाखल करूँ दुई मस 25 दिन की रहा आम सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने दाबी करूँ और 25 लाख परिवार को कंपनसेशन देवा दाबी करूँ और से विचार सब एक सांगे हम पिटन देचु अलरेडी से केस्रे तार जो सीमेन बाहरी कार आईडेंटिफिकेसन हो पार नहीं तेणु से लोक को आरेस्ट करवाटा यथार्थ नुहे तेणु ये सब मिस्टर मिसकेस सब रहा फाइनाल हियरिंग की पुनः रिपोर्ट दे सारापर हियरिंग हम तेज एने अधिक सूचना देवाई आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती आम स्पेशल करेस्पोंडेंट नभेश कुमार महांति नभेश वर्तमान जदि पूर्णांग रिपोर्ट हाइकोर्ट मागुचंती अर्थात दुई मास मध्यरे पूरा तदंत को शेष कर तथ्य प्रमाण हाइकोर्ट को पाखरे दाखल करने को पड़ कि एसआईटी को जहाँ पूर्व जो रही हाइकोर्ट का अर्डर था तदंतर रिपोर्ट दाखल करने स्टेटस रिपोर्ट दाखल करने कोर्ट कही किंतु आज एसआईटी पक्षर ई रिपोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट को दाखल करागला नहीं एवं राज्य सरकार पक्षर यह कोर्ट को आज अवगत कराला एवं कोर्ट को अनुरोध करागला जे पूर्णांग रिपोर्ट से दाखल करने को चाहते एथिपाई किसी समय आवश्यक होती तेणु कोर्ट राज्य सरकार को एसआईटी को दुई मास समय दुई मास समय मध्य स्टेटस रिपोर्ट पूर्णांग स्टेटस रिपोर्ट को एसआईटी दाखल करिबा मार्च 25 तारीख में यह मामलार परवर्त शुणी रही तेणु जहां पूर्व आमे अनुमान करथुलु जे स्टेटस रिपोर्ट दाखल करा जाय पारे किंतु जहां बर्तमान स्थिति रही आज स्टेटस रिपोर्ट दाखल करी पाला नहीं एसआईटी एवं जहां आपण जो दिग प्रति अभिन्न इंगित करुछन वास्तविक से ही होई कारण अनेक डेवलपमेंट या भीतर होई सारी से पॉलीग्राफ टेस्ट पई कि अभियुक्तर अभियुक्त मना करबा हो किंबा ताकु लोअर कोर्ट नाबालक दर्शेवा कथ अनेक गुटे डेवलपमेंट होती तेणु यही बद भर स्टेटस रिपोर्ट बोध हुए आज एसआईटी दाखल करना तेणु जो मार्च 25 तारीख में मामलार परवर्त शुणी हो समय सब कह सब जटिलता जहां अच्छी केस्रे जटिलता को समाधान कर अनुमान एसआईटी कोर्ट को सम्मुखें स्टेटस रिपोर्ट दाखल कर तेणु अनेक नुआ कथा पूर्णांग रिपोर्ट आसव एक जहां आवेदनकारी वकिल गोपाल जेना सूचना देते बहुत बहुत धन्यवाद नभेश कहीं जो चित्र आसीला प्रारंभिक स्टाटस रिपोर्ट से जो सब क्षय कथा सामना को आसने चर्चा होता तथ्य गणमाम को आसीला वर्तमान स्थिति और परिवेश बदली जानेक बद सामना को आसी यार भितर पूर्णांग स्टाटस रिपोर्ट दाखल एसआईटी समय मगुच्छी और दुई मस समय हाइकोर्ट प्रदान करुछंती।